के इस पावन पर्व पर 2 बजे से ग्रहण काल का वेद आरंभ हो रहा है, इसलिए आप सभी को परम पूज्य सद्गुरुदेव और गुरुमंडल जी गुरुमंडल को आह्वानित करता हुआ, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरण में नमस्कार करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्यों को पूर्णता प्रदान करें, सारी पूर्णता प्राप्त हो और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी आशा ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ जिस साधना के बारे में मैंने आपको बताया है, आपके शरीर में जो कोई भी रोग हो, जिस प्रकार की बुद्धि विचलित हो रही हो या मन विचलित हो रहा हो और हम अंतर्बाह्य शुद्धि नहीं अनुभव करते हैं, तो दुर्गा सरस्वती में जैसे रक्त बीज के बारे में कहा गया है, वैसे ही इस रक्त चामुंडा के साथ 5 आहुति आप पुस्तक में यज्ञ के पास डालकर उस रक्त चामुंडा के यंत्र को कंकण के रूप में आपके हाथ में धारण करते हुए आप अगर 5 आहुति डालते हैं और भोजन को चले जाते हैं तो आपको 2 या 3 बजे तक आप अपना भोजन संपूर्ण करें, बाद में विश्राम करें 6-7 बजे तक, फिर 7 बजे में यहाँ आता हूँ आपको आगे का कार्यक्रम समझाता हूँ। अगर आपको दशमा विद्याओं में कोई स्थिति करिए, जैसा मैंने कहा चाहे महाकवि कालिदास की हो, शैलेंद्र स्वामी जी हो, परमपूज्य सद्गुरुदेव जी हो, रामकृष्ण परमहंस जी हो, हमें बिना मांस मदिरा मधुर आदि के किसी की आवश्यकता नहीं है, कार्य को सिद्ध करने के लिए केवल श्रद्धा चाहिए और अंतर्बाह्य शुद्धि चाहिए, हम अंतर मन से शुद्ध होने चाहिए, हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, औरतों को देखने के बाद गलत प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए, उनमें बुद्धि में विचार नहीं आना चाहिए, जब तुम अंतर्बाह्य शुद्ध हो तो काली निश्चित रूप से प्रत्यक्ष होगी, ये मेरा कथन है, मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से यही प्रार्थना करता हूँ। आज के दिन जो चंद्र ग्रहण है, आप जल में खड़े होकर अगर काली मंत्र का मंत्र जप करो तो आपको काली निश्चित रूप से प्रसन्न होगी और आपके जीवन में आपका साथ देगी, जैसे महाकवि कालिदास को यह कार्य यह शुद्धि हुआ था, वही मंत्र जिसे काली चंद्र नाम के ऋषि ने उज्जैन में महाकवि कालिदास को दिया था और 3 दिन में महाकवि कालिदास मूर्ख से महाविद्वान बन गए, ऐश्वर्यवान भी हुए, वे राजा भोज के बाद नंबर 1 कहलाए जाते थे और सर्व सुखों को सर्व क्षेत्रों को सर्व को अनुभव करते थे, अनुभव उन्होंने किया। अभी आपको ऐश्वर्य तो ऐश्वर्य की बात रही, ऐश्वर्य तो भोगते ही है, आज हमारे पास मैंने जैसे आपको कहा क्लब में जाना एक महत्तर काम कहा जाता है, जो क्लब में गया, बड़े बड़े क्लबों में गया, हाँ बहुत बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा महान आदमी है, ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है। उस राजा भोज की नगरी में भी जिसकी गणिका यानी वेश्या सुंदर होती थी वो संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कहलाता था, जैसा अप्सरा सिद्धि है उसको ऐसा माना जाता था, और यह काली की वजह से भगवान की कृपा से राजा भोज और महाकवि कालिदास आदि लोगों ने अप्सराओं से मांगकर वो सिद्धि की थी, क्योंकि वे आखिरी दम तक भी कभी बूढ़े नहीं कहलाए, स्त्रियां भी हो या पुरुष भी हो, गणिकाएं उनकी थी, दासियां उनकी थी, जो दासियां वेश्या के रूप में या गणिका के रूप में अप्सरा के रूप में उनकी सेवा करती थी, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता था, कभी वो सभी निरोगी रहते थे, जिसने काली सिद्धि प्रदान की, काली को मानते थे और काली की कृपा से वो जीते थे। ऐसा ही नहीं, उनमें भी होड़ थी, एक बार क्या हुआ, राजा भोज के पास भी वेश्या थी और जब पता चला कि राजा भोज के पास जो वेश्या है गणिका है वो अप्सरा से भी सुंदर है और उसके पास उनका ऐश्वर्य बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता था, तब महाकवि कालिदास ने कालिका माता को पूजा किया, कालिका माता को सिद्ध थी ही थी, उन्होंने पूछा माँ मुझे राजा भोज से भी एक श्रेष्ठ गणिका को मुझे दो, जो मेरी सेवा कर सके, जो मुझे आनंद प्रदान कर सके, मेरे को आरोग्य प्रदान कर सके, धन ऐश्वर्य दो, सौभाग्य के साथ मैं रहूं, ऐसी अप्सरा मुझे प्रदान करो जो राजा भोज के बाद भी श्रेष्ठ हो। माँ काली ने कालिदास की स्तुति सुन ली और उन्हें उस गणिका को उन्हें दे दिया। जो गणिका जब आई पता चला कि धारा नगरी में जहाँ राजा भोज राज्य करते थे वहां कणिका आई है और वो इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के सामने कोई काम नहीं करता और वह महाकवि कालिदास की कणिका है, वो उन्हें रोज धन ला कर देती है, ऐश्वर्य प्रदान करती है, किसी प्रकार की चेष्टाएं इस प्रकार की चेष्टाएं प्रदान करती है कि वो महाकाली भी उस पर प्रसन्न होती है, उनकी उतनी सुंदरता है, उनकी श्रेष्ठता है, ऐसा उन्होंने कहा। जब ये राजा भोज को पता चला तो राजा भोज कहने लगे कि एक बार कालिदास की वेश्या को तो देख के ही आना चाहिए, जो मेरी वेश्या से भी मेरे गणिका से भी श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा एक दिन समय निकालकर रात के समय राजा भोज उस गणिका के पास गए जो देवताओं से अप्सराओं से भी श्रेष्ठ थी,
जब उन्होंने उस वेश्या को देखा तो राजा भोज को बहुत ही एकदम इस प्रकार हुआ, चोट लगी कि मेरे वेश्या से भी बहुत सुंदर है, इसे क्या करें। उन्होंने कहा उस वेश्या से, मैं यहाँ का राजा भोज हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। बोले क्या? तुम अगर सचमुच महाकवि कालिदास से प्रेम करती हो, उसके बहुत बाल घुंघराले हैं, उस बालों से वो बहुत चटादार, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सुंदर दिखता है, तो उसे कहना कि अगर मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ तो तू पूरा मुंडू कर ले, बाल उतार दे, पूरा मुंडन कर दे और पूरा मुंड कुंड दे उसको, ऐसा बोल दे। राजा भोज का क्या ये कहना, इसके मुंडता हो गई, उसके बाल निकल गए तो कम से कम वो उससे हटके मेरे पास आएगी, मैं पूछ लूंगा, ऐसा उसका कहना। महाकवि कालिदास को जब शिवघाट में गए तो गणिका ने कहा कि हे कालिदास, मैं तुमसे, अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो तुम्हारा बालों का निकाल कर मुंडन कर दो, तुम पूरा मुंडू कर दो। कालिदास को लगा सारी आज तक मेरे को नहीं, मेरे बाल अच्छे थे, बाल उतारने के लिए कह रही है, मुंडन करने की बात कर रहे, इसलिए कर रहे। उसने कहा तुम्हें मुंडन करना है तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो नहीं आना। अब राजा भोज, उसने समझ लिया कि राजा भोज की कहानी है, अगर मैं मुंडन कर लेके ये नहीं आया तो ये उसके पास चले जाएगी, तो मुंडन करना बहुत जरूरी। उन्होंने पूर्ण रूप से मुंडन कर लिया और ईशा के पास गए। ईशा ने कहा ठीक है, तूने मेरी बात सुनी। अब बोले महाकवि कालिदास, तूने क्यों मेरा मुंडन कर लिया, ये बात तो सच है और इसके पीछे क्या रहस्य है ये भी मुझे मालूम, लेकिन एक बात मैं तुझे बता देता हूँ। जैसा तूने मुझे कहा है, ये मुंडन देखने के लिए तो मैं तो 4-5 दिन बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुंडन देखकर सब लोग हंसेंगे मुझे, इसलिए मैं तेरे घर में ही रहता हूँ। अरे वो बोले ऐसा मेरे घर में रहने से कैसा, क्योंकि इसको देखने के लिए राजा भोज आने वाले थे, ये पता था कालिदास। तो कालिदास ने कहा मैं तो तेरे घर में रहने वाला हूँ, अब जो कोई भी तेरे घर में आए, एक बात तेरे को एक वर्ण, जो भी तेरे पास अभी आएगा ज्यादा से ज्यादा उसको एक ही बात करना कि मुझे पुकारते समय 4 बार गधे की आवाज निकालना, गधा जैसा पुकारता है वैसे पुकारना। अरे उन्होंने क्या महाकवि कालिदास को, ये क्या गधे की वैसा कौन पुकारता है, गधे वैसे पुकारने आता है क्या? तूने कहा तू ये बात कर दे बस, मैं बाकी का काम मैं देख लेता हूँ। राजा भोज गए वेश्या के पास खड़े रहे। महाकवि कालिदास ने कहा अगर तू नहीं देते तो मैं तुझे मार के हकार दूंगा, तुझे जैसा बोलना है वैसा बोलना ही है। राजा भोज आए तो राजा भोज को वेश्या बोली मेरे से मिलने से पहले एक शर्त है मेरी, क्या? तुम गधे के वैसे पुकारो 4 बार, मैं यहाँ ला लेती हूँ। जबकि महाकवि कालिदास अंदर ही बैठे हुए थे, आप इन्होंने जोर जोर से उन्हें कहा, राजा ने कहा यहाँ कौन, मैं और वेश्या के सिवा बोल, मैं गधे से भी पुकारू कौन देखता है, गधे के वैसा पुकारो 4 बार गधे की तरफ पुकारे। बाद में वेश्या ने कहा ठीक है महाराज की, मैं कल सुबह तुम्हें मिलती हूँ। बाद में महाकवि कालिदास सभा को चले गए जब उनका मुंडन था। अब राजा भोज ने दूर से देखा, क्यों महाकवि कालिदास मुंडन हो गया, क्या बात हो गया? मैं राजा महाकवि कालिदास ने कहा जिस राज्य में भोज जैसा राजा हो, राजा भोज जैसा राजा, जिस राज्य में राजा भोज जैसा हो, अगर वो गधे के जैसा पुकारता है तो मेरे को मुंडन करने की क्या बात है। राजा समझ गया कि इसने मेरे को चाल के साथ फंसाया और सभी के साथ मेरा अपमान कर दिया। महाकवि कालिदास काली की भक्ति से इतने उच्च थे कि उनको पहले होने वाली चीज सभी मालूम थी, काल ज्ञान था। मैं इसलिए कहता हूं आपको, काली को प्रत्यक्ष करना यही बात नहीं है, हम काल ज्ञान को प्राप्त करने वाले कहे जाते हैं, और उस काली के दर्शन के लिए जो स्मशान में बहुत लोगों ने हजारों वर्ष बिताए जो काली को, लेकिन श्रद्धा भक्ति और धन शुद्धि होने से जो काली की साधना करता है आज ग्रहण के दिन, उसे निश्चित रूप में काली आपको सिद्ध होते हुए आपको दर्शन देती है, ऐसा कहते हैं। मैं भी आपको चाहता हूं कि ऐसे ही काली माँ का दर्शन हो और आप शुद्ध हो, और वो शुद्ध होने के लिए मैंने कहा आपको बीपी शुगर आपको जो भी है, जिस रक्त विकार के कारण मांड में ब्लॉक होना या ऐसी प्रकार की क्रिया है जो रक्त के कारण होती है, डॉक्टर जहाँ कुछ भी कहे, डॉक्टर इन चीजों को माने या ना माने, लेकिन साधना के बल पर जीने वाला आज डॉक्टर्स है, आज इन बीमारियों को देखने वाले, उस समय तो सारी क्रियाएं आयुर्वेद में मंत्रों के माध्यम से हुआ करती थी, बड़े बड़े रोगों का निदान होता था, कुष्ठ रोग को भी भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर रोज सूर्य स्नान करने से कुष्ठ रोग का चला जाना ये शास्त्रों में कहा गया है। तो इस प्रकार इन रोगों का निदान उस समय मंत्रों से ही हुआ करता था,
और उस मंत्र की शुद्धि के लिए जो आज इस रक्त चामुंडा के मंत्र से पांच आहुतियां डालते हैं वो काली साधना के लिए प्रयुक्त होते हैं। मैं 6 बजे यहाँ आऊंगा, आप सब लोग बहुत लोग हैं मैं ये जानता हूँ। ओरिजिनल तो 11 माला करना है, पहले 5 माला आहुति डालो, फिर खाना खा लो, उसके बाद आपको अगर समय मिला तो रात के 11 बजे तक कभी भी हो सके तो 11 माला करो। आपके जीवन में ये बीमारियां, रक्त के संबंधित कोई बीमारी आपको आह्वानित नहीं होगी, ये मेरा वचन है, आपको आशीर्वाद देता हूं। आप सभी लोग, यज्ञ मंडप मैंने बहुत बड़ा बनवाया ऐसा मैं समझ रहा था, लेकिन आज बहुत बड़ा मेरे शिष्यों का समुदाय है, यज्ञ मंडप छोटा पड़ गया है। आप इसलिए थोड़ा लाइन से करते हुए जाकर 5-5 आहुतियां डालकर भोजन का कार्यक्रम पूर्ण कर लो, क्योंकि 2 या 3 बजे के बाद ग्रहण आ रहा है, ग्रहण के वेदों में खाना ठीक नहीं है ऐसा कहते हैं। इसलिए आप सब लोग अपनी बीमारियों के निदान के लिए ही सही, या काली साधना के लिए सही, तारा साधना के लिए सही, बगलामुखी की साधना के लिए सही, इस रक्त चामुंडा मंत्र से आप आहुति, 5 आहुतियां वहां द्रव्य रखा हुआ है, उसके पहले आप रक्त चामुंडा का एक कंकण है वो हाथ में बांध लेना, वो निरंतर आपके घर में कोई बीमारी हो उस कंकण के ऊपर पानी डालकर पिलाते हैं तो वो आज सिद्ध हो जाएगी। जो कंकण पहनेगा वो घर के वालों के लिए सिद्ध हो जाएगी। आप घर के पूरे घर के लिए एक आदमी भी कंकण ले ले तो कोई बात नहीं, और अगर अलग अलग लेता है तो भी कोई बात नहीं, उस कंकण को धारण करके रक्त चामुंडा मंत्र से आहुति डालो और भोजन कर लो। उसके बाद मैं 6 बजे शाम के यहाँ आकर आपको रात में करने वाले काली साधना, तारा साधना, बगलामुखी साधना के बारे में, जो दशमा विद्या में आज ये तीनों साधनाएं भी श्रेष्ठ कहलाई गई है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। एक बार जय घोष करते हुए कह रहा हूँ कि आप सब लोग यज्ञ कुंड, यज्ञ मंडप की तरफ प्रस्थान करें। बाकी सब लोगों को गुरु भोजन करने के लिए या कार्य करने के लिए शाम में समय देता हूँ, हम 1 बजे तक फ्री है, 6 बजे से लेकर। पहले आप खाना खा लो, मेरे आपके पेट की चिंता है, आप पहले साधना में जाकर आहुति डाल दो, खाना खाओ, रेस्ट ले लो, 6 बजे तक 6:30 बजे फिर सब लोग यहाँ आना, हो सके तो रक्त चामुंडा मंत्र का 11 माला मंत्र जप करना। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की चामुंडा मंत्र को वहां प्रिंट करके लिखा दिया गया है, वो 5 बार मंत्र बोलते अंदर आरोग्य प्रभु अगर राशन मंत्र है क्रीम स्त्रीम ह्रीम स्त्रीम क्लीम फट स्वाहा। आप सब लोग वहां जाकर उस मंत्र की मंत्र के मंत्र से 5 आहुति डालो और खाना खा लो, बाद में विश्राम कर लो, अंदर रेस्ट तीसोकोండి, आ तरह साधना करो। मैं रात में आपको अपने जलकुंड में साधना करने का विधान बताता हूँ, किस तरह साधना करनी जाती है ग्रहण के समय में। ग्रहण रात में 1 बजे आरंभ हो रहा है, सुबह 4:30 बजे तक है, तो हमें 6 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय है। निश्चित रूप से आप यहां से दशमा विद्याओं को सिद्ध करके जाए, ऐसी आशा करता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं।